सात दशकों से चली आ रही असम अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम के क्षेत्रीय कमेटी के बीच आज एक बैठक हुई। गुवाहाटी के खानापाड़ा स्थित स्टाफ कॉलेज में आयोजित इस बैठक में सीमाई क्षेत्र के विकास मंत्री अतुल बोरा, मंत्री विमल बोरा, अशोक सिंघल, संजय किसान, रनोज पेगू, इसके साथ ही सीमा सुरक्षा और विकास के आयुक्त सचिव ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। राज्य की क्षेत्रीय कमेटी 31 अगस्त के भीतर विवादित सीमाई इलाकों का दौरा करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले 15 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में मुख्यमंत्री के स्तर में तीसरे दौर की बैठक हुई थी। बैठक में 37 विवादित गांवों को लेकर सहमति बनी थी, जिसके बाद अब केवल 86 विवादित गांवों को लेकर चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि दोनों राज्यों की तरफ से कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में 12-12 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया है। क्षेत्रीय समितियों को 15 सितंबर से पहले रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश के 12 और असम के 8 जिलों के 86 गांवों को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद है। टुडे वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग डिफरेंसेस विद अरुणाचल गवर्नमेंट। As you know that we have the both CM level talk was held at Namsai on 15th of July. So what resolution we have adopted in that meeting, so we have to carry out. So we invited all the deputy commissioners of the concerned districts. We invited honorable MLAs who are the members of the regional committees. So we had a long and threadbare discussion. We have decided to visit the border area. We have decided and we are planning to complete it within 30th of this month, August. And we will have to submit the report before 15th of September. Well, the Chief Minister has already entrusted some ministers in different places, MLAs, officials. Geographical contiguity, desire of the people, administrative convenience. माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो जो स्टेट्स के साथ हमारे है उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए मीटिंग चल रहा है और आज अरुणाचल को लेकर के विस्तृत से बातचीत हुआ है। आने वाले 20 दिन में रीजनल कमिटीज़ अपना रिपोर्ट दे देंगी, उसके बाद मेरे को लगता है कि हम समाधान की तरफ आगे बढ़ सकेंगे।